दोस्तों इस वक्त मैं दिल्ली के बीचों बीच एक बड़े ही रहस्यमय स्थान पर है। यह स्थान एक पहाड़ी के जंगल के बीच में है और इसका नाम है खूनी झील। जी हाँ, रहस्यों से भरी हुई खूनी झील। और ये कितने घोर जंगल के बीच में है ये आप मेरे स्थान पर देख सकते हैं। मैं अपने दोस्त गौरव जी को कहूँगा वो आपको दिखाएं कितना डरावना ये वातावरण है। आप इस साइड भी देख सकते हैं, सारा जंगली जंगल आपको दिखाई देगा। और इस जंगल के बीचों बीच पहाड़ी पर ये है खूनी झील। खूनी झील जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते होंगे कि एक दहशत मन में पैदा होती है कि जिस जगह का नाम ही खूनी झील है वो कितनी डरावनी जगह हो सकती है और वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम मिला। और इस घोर जंगल के बीच में छिपी हुई इस झील को आज हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आज हम आए हैं आपको लेकर दिल्ली की इस पहाड़ी एरिया के अंदर एक ऐसी रहस्यमय छुपी हुई झील के पास जो खूनी झील के नाम से मशहूर है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं और बता भी दूं कि ये जगह कौन सी है। ये दिल्ली की बोनटा का पहाड़ी एरिया है जो दिल्ली नॉर्थ यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के बिल्कुल बीच में है। बोनटा की पहाड़ी है और देख मेरे चारों तरफ आप सारा जंगल देख सकते हैं। जंगल और पहाड़ ही पहाड़ी एरिया है ये आप देख सकते हैं। और यहीं इनके बीच में ही ये जगह जो कि खूनी झील के नाम से मशहूर है, बड़ी हॉन्टेड, बड़ी डरावनी, बड़ी रहस्यमय जगह मानी जाती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो झील कैसी है और इसके बारे में जो हमने सुना है कि इसको खूनी झील क्यों कहा जाता है। दोस्तों ये है वो रहस्यमयी खूनी झील। इसे खूनी झील कहने के पीछे कई तरह के मिथक, कई तरह की चीज़ें सुनने में आई। आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर जो पानी है हमें नहीं पता कितनी गहराई है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इसकी गहराई इस वक्त भी बहुत है जो कि दिखाई यहाँ से आप हमारे को दिख नहीं रही है। लेकिन इसके चारों तरफ जो पत्थरों की ऊंचाई है अगर आप देखेंगे तो 10 15 से लेकर 20 फुट तक की ऊंचाई है। यानी कि बारिश के पानी में अगर ये झील पूरी भर जाए तो इसमें पूरा का पूरा एक हाथी डूब सकता है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस खूनी झील के पीछे जो कई मिथक जुड़े हुए हैं इससे, उनमें से एक तो ये है कि इस झील पर आने के बाद लोगों का आत्महत्या करने का मन करता था और बताते हैं कि अभी तक सैकड़ों लोग यहाँ पर आत्महत्या कर चुके हैं। एक दूसरा मिथक ये भी इससे जुड़ा हुआ है कि 1857 की लड़ाई में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका यहाँ मर्डर किया था। ऐसी भी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब मैं इस जगह से जुड़ी हुई एक रहस्यमय चीज़ आपको और बताऊँगा। आप देख रहे होंगे, गौरव जी दिखाना ज़रा, ये गवर्नमेंट ने इस झील को चारों तरफ से इसकी बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई इस झील के अंदर ना जा सके। वो कारण यही है कि यहाँ पर आके लोगों का जो आत्महत्या करने का मन करता था उसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए गवर्नमेंट ने सुरक्षा के कारणों से कि दोबारा कोई हादसा ना हो यहाँ पर इस झील के चारों तरफ ऐसी बैरिकेडिंग कर दी है ताकि और कोई गेट इसका नहीं छोड़ा है कि कहीं किसी गेट से अंदर जाकर कोई सफाई की जा सके, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसको चारों तरफ से कवर कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी ना जा सके। अब इसके अंदर अगर कोई जाता होगा तो यहाँ रहने वाले बंदर जो कि यहाँ हजारों की तादाद में हैं इस जंगल के अंदर, मैं अपने दोस्त गौरव जी को कहूँगा कि एक बार वो आगे से भी आपको दिखाएं कि कितना डरावना यहाँ का मंजर है और कैसा यहाँ का वातावरण है। ये आप देख सकते हैं झील, हम वहाँ से भी आपको दिखा सकते हैं, हमने कोशिश की थी लेकिन वहाँ से झील का सीन साफ नहीं आता। लेकिन गौरव जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो दिखा सकते हैं तो आपको दिखाएं। पीछे हो जाओ, गौरव जी को कहूँगा कि एक बार वो आके देखें आपको एक रास्ता और दिखाएं। ये देखिए, ये आप ये जीना देख रहे होंगे, इसी टाइम में ये जीना यहाँ से नीचे उतरने के लिए बनाया गया था जो अब इसके अंदर ही रह गया है, क्योंकि अंदर जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। और मैं गौरव जी को ये भी कहूँगा कि उधर दिखाएं, देखिए बिल्कुल झाड़ियों से
ढका हुआ एक रास्ता है, मैं इसके अंदर जाना पसंद अभी नहीं करूँगा। और सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, कभी वहाँ से आने का रास्ता भी इसका रहा होगा। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल घोर जंगल के बीच में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है। मैं अपने दोस्त गौरव जी कहूँगा झील को जरा इस एंगल से यहाँ से वो एक बारी और दिखाएं आराम से। ये है पूरी झील का नज़ारा जो आप देख सकते हैं। यहाँ देखो एक दरवाज़ा भी है और वो देख लिया मैंने। आ जाओ पीछे हो जाओ, कैमरा पीछे करिए, बाहर निकाल लो।